नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर एवं उसकी नौकरानी को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। चीन से फैले कोरोना वायरस से देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, चिकित्सकों ने कहा घबराने की नहीं है जरूरत। कमिश्नर वंदना किनी ने शहर में लगने वाले जाम को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश, शहर में 3 जगहों पर नो पार्किंग जोन बनाने का लिया निर्णय। दुकान खोलने गए दवा व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। और बांका में वाहन जांच के दौरान 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और कई आपत्तिजनक सामान हुआ बरामद। अब समाचार विस्तार से। एक बार फिर भागलपुर में हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है। शुक्रवार की अहले सुबह शहर में एक बड़ी घटना हुई, जहां घर के अंदर ही शहर के नामचीन क्रिमिनल लॉयर की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने अधिवक्ता की नौकरानी को भी मौत के घाट उतार दिया। एक साथ हुए 2 हत्याओं से पूरा शहर दहशत में है। स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष सह भागलपुर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना का पता शुक्रवार की सुबह तब चला जब अधिवक्ता कोर्ट जाने के लिए घर से नहीं निकले, जिसके बाद मृतक अधिवक्ता कामेश्वर पांडे का ड्राइवर घर के अंदर पहुंचा तो उसने बेड पर पड़े अधिवक्ता का शव देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना तिलका मांझी पुलिस को दी। इस दौरान हत्या की खबर फैलते ही अधिवक्ता के नवाबबाग स्थित घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं रेंज DIG सुजीत कुमार, SSP आशीष भारती एवं CT SP सुशांत कुमार सरोज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान DIG ने जनरेटर के पास रखे ड्राम से अधिवक्ता की नौकरानी का शव बरामद किया, जिसके बाद FSL और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्यों को एकत्रित किया। वहीं DIG ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कामेश्वर पांडे का घर में रहने वाले किराएदार गोपाल भारती से पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। DIG ने कहा कि नुकीले हथियार से अधिवक्ता की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से अपराधियों के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। इधर हत्या से आक्रोशित वकीलों ने कहा कि पुलिस जल्द मामले का उद्भेदन करे। वहीं अधिवक्ताओं ने 2 दिनों तक न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखने की बात कही। पूरे जो घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया है हमारे साथ साथ, हमारी जो भागलपुर की पुलिस टीम के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL की भी टीम यहाँ पर है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर है। FSL की टीम और पुलिस दोनों को ही बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य घटनास्थल पर मिले हैं, जिससे इस कांड के त्वरित उद्भेदन में हमें मदद मिलेगी। अभी हमारा अनुसंधान जो है प्रारंभिक चरण में है, बहुत शुरुआती चरण में है, बट शुरुआती चरण में ही घटनास्थल के पूरे निरीक्षण पर हम लोगों को बहुत अहम कुछ सुराग मिले हैं, उन पर पुलिस बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इस पूरे घटना का बहुत त्वरित उद्भेदन भागलपुर पुलिस टीम कर रही है। हमारे बहुत ही पुराने साथी कामेश्वर पांडे, जो 50 वर्षों से अधिक अवधि से वो इस वकालत पेशा में थे, आज तक उन्होंने न्याय और न्यायपालिका के लिए जो एक वकील की हैसियत से जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया। वे बहुत ही मधुरभाषी थे, अच्छे व्यवहार उनके थे, लेकिन आज ये विस्मय का एक विषय है, इस तरह के सुनियोजित षड्यंत्र के शिकार वकील ही हुए। क्यों हुए, यह एक संशय का विषय है और चिंतन का ही नहीं, ये बिहार सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए यह एक चैलेंजिंग टास्क है और इसका हम लोगों को, वकील समुदाय के सभी लोगों को, बिहार के सभी वकीलों की यह मांग है कि हम लोगों के साथ न्याय होना। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी तो 2 दिनों तक के लिए हम लोगों ने कार्य को ठप करने का आह्वान किया। चीन के मुकाबले अब दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस प्रतिदिन नए देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक विश्व के 87 देश इस वायरस के चपेट में आ चुके हैं और 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी आंकड़े पर गौर करें तो कोरोना वायरस से 90,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
देश में 2 दर्जन से अधिक लोगों में कोरोना से संक्रमण होने की पुष्टि की गई है। इधर देश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पूर्वी बिहार के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संदिग्ध लोगों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस को लेकर भागलपुर ततारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुल रहमान ने कहा कि भारत में इस वायरस के प्रसार की गति बिल्कुल धीमी है, इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस एक तरह का इन्फ्लुएंजा के तरह का एक वायरस है, सिम्टम भी उसी तरह का मिलता जुलता है और लोगों को अफेक्ट कर रहा है, और बल्कि ये कहा जाए पूरे एशिया और यूरोप दोनों को इन्फेक्ट कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग थोक में बल्क में मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना कुछ मीडिया और व्हाट्सएप और इन सब की सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग जानकार ज़रूर हो गए। तो जिनको लगता है कि इन्फ्लुएंजा टाइप का चीज़ लग रहा है, बुखार लग रहा है, सांस की परेशानी है, तो जाके दिखा लें। मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना अब अकलमंदी है, जबकि अब ये इसकी जो कितना विरुलेंस है, मतलब कितना जानलेवा है, इसकी हकीकत सामने आ गई है। वहीं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। इस परिवार के वायरस से पहले भी कई इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे सांस मिडिल ईस्ट में रेस्पिरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम, उसी फैमिली का COVID-19 स्ट्रेन का इस बार महामारी फैला है, जो चाइना से होकर पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। इससे इसकी दवा तो अभी पूरी तरह से प्रमाणिक रूप में कोई नहीं आई है, कुछ दवा सजेशन में चल रहा है, मुख्य इसमें बचाव ही प्रमुख है। ये एक दूसरे से संपर्क में जाता है, इसलिए बार बार हाथ धोना और साफ सफाई रखना और रोगियों के संपर्क में नहीं आना, यही एकमात्र अभी उपाय है। इसमें मरने का जो भय फैला हुआ समाज में वो गलत है, 2% लोग मृत्यु ही होती है, और समय के साथ हर वायरल इन्फेक्शन की तरह ये भी खतरा टल जाएगा। इधर देश में कोरोना से 30 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इसके बचाव के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। साथ ही डॉक्टर अजय ने सरकारी एडवाइजरी के पालन करने की बात कही। पहले ये देखना होगा कोरोना वायरस फैलता कैसे है। तो कोरोना वायरस प्राय सांस का बीमारी है, जैसे कोई सर्दी है तो प्राय नाक से होता है, सांस से होता है। ये नाक से फैलता है, छींकने से खांसने से ये बाहर आता है। तो लोगों को इसलिए दूरी बना के रखना चाहिए, एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक नहीं रहें, नज़दीक रहने से उसका वायरस सीधा सीधा अटैक करेगा, दूरी में अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, जैसे ही आप छींकते हैं खांसते हैं तो आप रुमाल में खांसते हैं या हाथ में खांसते हैं उसको भी अवॉइड करना है, और रुमाल तो ठीक है लेकिन हाथ में नहीं खांसे फिर, क्योंकि हाथ से फिर वो दूसरे को चला जाता है। आप इसको केहनी में इस तरह से कर सकते हैं ताकि वो फिर आपके हाथ से दूसरे को नहीं जाए। तो कोशिश करना है कि कोई भी सर्दी जुकाम वाले आदमी को ये देखना है कि हम दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए या उससे दूरी बना कर रखें, और जिसको कोई सर्दी जुकाम नहीं है उसको भी दूसरे से दूरी बना के रखना है। परमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में 1 अप्रैल से प्राइवेट बस स्टैंड चालू करने को लेकर अलीगंज थाना के समीप प्राइवेट बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित करने की बात बताई गई। आयुक्त ने कहा कि 1 अप्रैल से अलीगंज बस स्टैंड चालू हो जाएगा और 0 माइल के समीप गाड़ी खड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर की महत्वपूर्ण सड़कों पर भी गाड़ी खड़ी करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के साथ शहर की मुख्य सड़कों को नो पार्किंग जोन बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ओवरलोडिंग रोकने के लिए पीरपैंती एवं जगदीशपुर में चेक पोस्ट बनाने और होली के बाद दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का फैसला किया गया। बैठक में 0 माइल चौक एवं इसके 500 मीटर के दायरे में कोई गाड़ी नहीं खड़ी करने, लोहिया पुल से घंटाघर, स्टेशन से खलीपाबाग और स्टेशन से कोतवाली चौक को नो पार्किंग जोन बनाने के साथ जुगाड़ गाड़ी चालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर DM प्रणव कुमार, DTO, MBI समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सुल्तानगंज के दिलगौरी चौक स्थित न्यू राज मेडिकल स्टोर में दवा व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया।
घटना के वक्त दवा व्यवसायी अशोक मंडल चौक के समीप अपनी मेडिकल दुकान खोल रहे थे। तभी बाइक से आए दो नकाबपोश अपराधियों ने अशोक मंडल को दो गोली मारी। गोली व्यवसायी के गर्दन के आर पार हो गई, जिसमें वह मौके पर ही गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बाइक से फरार हो गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने जख्मी अशोक मंडल को एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने बताया कि गोली गर्दन के बाहर निकल चुकी है। साथ ही बेहतर इलाज के लिए घायल को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। बाद में परिजनों के द्वारा व्यवसायी को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने घायल को मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। इधर पूरी वारदात पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांका पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान टाटा विक्टा से दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधी की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के केंदुआर गांव निवासी संतोष कुमार और प्रवीण सिंह के रूप में हुई है। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए दोनों अपराधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसपी ने कहा कि होली को लेकर जिले के सभी थाना अध्यक्षों को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी दौरान फुल्ली डूमर थाना अध्यक्ष ने तेलिया टोला के समीप टाटा विक्टा गाड़ी को जांच के लिए रोका। तभी गाड़ी में बैठा दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया। जांच के दौरान गाड़ी से दो देसी कट्टा, दो लोडेड पिस्टल, मोबाइल एवं कई संदिग्ध सामानों को बरामद किया गया है। साथ ही एसपी ने कहा कि दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर गोपाल प्रसाद सिंह, थानाध्यक्ष सफदर अली सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी सीबीएसई कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय सीसीटीवी, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम नर्सरी से 7 तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जी छो बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली त्यौहार को लेकर अंग प्रदेश में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कहीं कवि सम्मेलन की तैयारी चल रही है तो कहीं रंगोत्सव का त्यौहार धूमधाम से मनाने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं भागलपुर के मड़वाड़ी पाठशाला परिसर में होली के अवसर पर 8 मार्च को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मड़वाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देश के नामचीन कवि शिरकत करेंगे। इधर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को लेकर शुक्रवार को मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में दिन भर पंडाल निर्माण का कार्य चलता रहा। बसंत गोष्ठी को लेकर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्रा, संयोजक पवन कुमार बजाज, स्वागत मंत्री शिव कुमार केजरीवाल, आलोक बजाज, अध्यक्ष अश्वनी जोशी मोंटी, सचिव जौनी संथालिया और राजेश डोकानिया ने कई जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जगदीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि पिछले 59 वर्षों से भागलपुर में लगातार सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अश्वनी जोशी मोंटी ने बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती करेंगे। सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा पिछले कई वर्षों से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, मित्र बसंत गोष्ठी, जो इस वर्ष भी 8 मार्च को स्थानीय श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में रात्रि 9 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें देश के मूर्धन्य कविवर उपस्थित होकर के अपने रचनाओं को आपके सामने रखेंगे। इसमें हास्य व्यंग, गीत, ओज, गीत, गज़ल तथा अन्य प्रकार के
सभी तरह के रसों का निष्पादन कराएंगे। होली को लेकर शुक्रवार को सन्होला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार एवं सीओ अमित कुमार ने की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने आपसी सौहार्द के साथ रंगों का त्यौहार होली मिलजुल कर मनाने की बात कही। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने त्यौहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति, शराब तस्करों पर कार्रवाई करने एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने का सुझाव दिया। इसके बाद थानाध्यक्ष ने कहा कि विधि व्यवस्था में व्यवधान डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। मौके पर मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, नरेश यादव, सुबोध पासवान, शौकत अंसारी, गौतम ठाकुर सहित शांति समिति के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं जगदीशपुर थाना परिसर में भी होली और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी एवं सीओ सोनू कुमार भगत ने की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की लोगों से अपील की। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने भी अपना अपना सुझाव साझा किया। मौके पर राबिया खातून, भैरव यादव, शंकर पासवान सहित सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। भागलपुर के मोदीनगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में नागरिक विकास समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत महापौर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, फरहत जवी जुगनू, हरदीप कौर, डीबीए के चेयरमैन अभयकांत झा, डॉक्टर प्रीति शेखर, समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जियाउल रहमान एवं रमन कर ने संयुक्त रूप से मटका तोड़कर किया। इस दौरान होली गीत एवं रंगारंग कार्यक्रम से माहौल पूरी तरह से होली के रंगों में रंगा रहा और प्रेम एवं आपसी सद्भाव के साथ एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पंडित अरुण कुमार शुक्ला ने मंगलाचरण पाठ किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण शाह ने की। अध्यक्ष जियाउल रहमान ने कहा कि समिति हमेशा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सरोकार के साथ पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम करती है। समारोह में एक से बढ़कर एक होली गीत पर कलाकारों ने प्रस्तुति दी और लोग होली के माहौल में झूमते नजर आए। इस मौके पर समिति के सदस्यों के अलावा शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी एवं कलाकार मौजूद थे। सन्हौला घोघा मुख्य मार्ग ताड़र गांव के समीप शुक्रवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक की पहचान ताड़र गांव निवासी 66 वर्षीय लोरी यादव एवं घायल राजेश यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और मुख्य सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि ऑटो से पिता और पुत्र घोघा की ओर जा रहा था, इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दिया, जिसमें ऑटो पर सवार पिता पुत्र नीचे गिर गया। इसी दौरान ऑटो पिता को रौंदते हुए भाग निकला। जख्मी युवक ने बताया कि ऑटो ड्राइवर द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे सन्हौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियों के अधिकृत विक्रेता तिलकामांझी स्थित अमित ऑटोमोबाइल्स में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। लकी ड्रॉ में महिंद्रा से अल्फा पैसेंजर की ऑटो खरीदने वाले युवक आनंद कुमार भारती ने हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक जीता है। लकी ड्रॉ में नाम निकलने पर अमित ऑटोमोबाइल्स के संस्थापक राजेश कुमार संथालिया, एरिया सेल्स मैनेजर निशांत शेखर, जनरल मैनेजर बालमुकुंद पांडे एवं प्रोडक्ट हेड रंजन मिश्रा ने आनंद भारती को बधाई देते हुए बाइक की चाबी सौंपी। ये महिंद्रा महिंद्रा कंपनी के द्वारा एक आयोजन किया गया है, जो कि दिसंबर महीने में एक बाइक का लकी ड्रॉ का स्कीम था। पूरे ऑल इंडिया में हम लोग 100+ बाइक बांट रहे थे, लकी ड्रॉ के अंतर्गत निकाल रहे थे। उसके अंतर्गत हमने आज भागलपुर में तिलकामांझी जो हमारा अमित ऑटोमोबाइल का शोरूम है, उसमें एक कस्टमर को लकी ड्रॉ के अंतर्गत ये बाइक निकली है। पूरे बिहार में हम लोग अभी और भी बांटने वाले हैं, तो फिलहाल अमित ऑटोमोबाइल का एक निकला और आगे पूर्णिया में 6-7 बाइक मिलने वाली है, तो ये सब प्लानिंग है आगे। भागलपुर का मोती मातृ सेवा सदन इन दिनों गरीब और लाचार मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक यहाँ 25,000 से अधिक मोतियाबिंद मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है। मोती मातृ सेवा सदन में असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, साथ ही मरीजों और उनके परिजनों को उपचार पूरा होने तक भोजन और रहने की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराई जाती है। वहीं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगवाने पर भागलपुर के लाल और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अर्जित शाश्वत चौबे को सम्मानित किया गया। अर्जित शाश्वत चौबे को गुरुवार को इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन डिजास्टर मेडिसिन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। दरअसल अर्जित शाश्वत चौबे ने भागलपुर के मोती मातृ सेवा सदन में फेको मशीन से फोर्डेबल लेंस लगवाकर कई गरीबों के आंख का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता चंदन ठाकुर ने बताया कि विगत 2.5 महीने में 25,000 से ज़्यादा निर्धन मरीजों की सेवा की जा चुकी है और 15 मार्च तक 35,000 मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है।
ये जो शिविर था ये 15 दिसंबर को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और 15 मार्च तक अंतिम तिथि है। अभी तक 25,000 लोगों का सफल ऑपरेशन हो चुका है और हमारा लक्ष्य था 25,000 लोगों तक करना, लेकिन अत्यधिक भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर 35,000 तक भी पेशेंट रहेगा तो 35,000 तक भी पेशेंट का हम लोग वो करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, और सफल ऑपरेशन हो रहा है। इसके लिए रणछोड़ दास जी ट्रस्ट एवं जो कार्यक्रम सहयोगी हैं श्री अरिजीत शाश्वत चौबे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जिनके कारण आज ये इतना बड़ा महायज्ञ संपन्न हो पाया है। इस कार्यक्रम को लेके कल अरिजीत शाश्वत चौबे जी को दिल्ली में इस उत्कृष्ट कार्यों को लेके सम्मानित भी किया गया है। सनौला प्रखंड के फाजिलपुर सकरामा गांव में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में पंचमुखी हनुमान प्रतिमा की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई। प्रतिमा स्थापना के साथ ही अखंड रामधुन सह कीर्तन का आयोजन किया गया। मुखिया प्रतिनिधि अनुज कुमार झा ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भंडारा का भी आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंदिर परिसर में राम सीता मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। मौके पर आचार्य अशोक ठाकुर, निखिलेश झा, पिंकू ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, प्रभाकर झा समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर एवं उसकी नौकरानी को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। चीन से फैले कोरोना वायरस से देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, चिकित्सकों ने कहा घबराने की नहीं है जरूरत। कमिश्नर वंदना किनी ने शहर में लगने वाले जाम को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश, शहर में 3 जगहों पर नो पार्किंग जोन बनाने का लिया निर्णय। दुकान खोलने गए दवा व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। और बांका में वाहन जांच के दौरान 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और कई आपत्तिजनक सामान हुआ बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।